दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मनाली के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप बहुत कम बजट में बहुत सस्ते में पूरे मनाली को घूम सकते हैं। आप देश के चाहे किसी भी कोने में रहते हो ये वीडियो आपके बेहद काम आएगी क्योंकि ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा मैं इस वीडियो में मनाली के बारे में और बहुत कम बजट और बहुत सस्ते में बेहद शानदार ट्रिप रहेगी आपकी मनाली की अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली पहुंच कैसे सकते हैं। मनाली पहुंचने के मैं 5 तरीके आपको बताता हूं। पहला है फ्लाइट। मनाली का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट जो भुंतुर में स्थित है। वहां से कुल्लू का डिस्टेंस 10 किलोमीटर और मनाली का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है फ्लाइट से मनाली पहुंचना। मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका है रेलवे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़, पठानकोट और कालका। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 291 किलोमीटर, पठानकोट से 298 किलोमीटर, वहीं कालका से 282 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आने के इच्छुक हैं तो आप देश के किसी भी कोने से इन तीनों में से किसी भी सिटी में पहुंच सकते हैं। वहां से आपको बसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप वॉल्वो बस चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है जिसके चार्ज 1,000 रूपए से 2,000 रूपए तक रहेंगे। चाहे तो ऑर्डिनरी बस ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश की जिसमें 500 से 600 रूपए चार्ज लिया जाएगा चंडीगढ़, पठानकोट या कालका से मनाली तक का। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप सस्ती यात्रा करना चाहते हैं तो। तीसरा एक तरीका है कि आप अपनी बाइक, कार या टैक्सी लेकर आ जाइए, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आप अपनी बाइक, कार या टैक्सी लेकर आते हैं तो मनाली में एंट्री करने से पहले आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो आपको 100 रुपए ग्रीन टैक्स देना होगा। अगर आप 5 सीटर कार लेकर आते हैं तो 200 रुपए का ग्रीन टैक्स देना होगा। इससे ज्यादा बड़ी कार लाते हैं तो 300 रुपए ग्रीन टैक्स पे करना होगा। वहीं बसेस और टेम्पो ट्रैवलर को 500 रुपए ग्रीन टैक्स पे करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी मनाली में। चौथा तरीका है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपने टूर को बुक कर लीजिए, वो भी एक तरीका है मनाली को एक्सप्लोर करने का। पांचवा और सबसे बेस्ट तरीका है बस। बसेस में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप वॉल्वो से चले जाएं, सेमी वॉल्वो ले लें या फिर ऑर्डिनरी बस। वॉल्वो बस की किराए की बात करता हूँ तो 1400 रुपए से लेकर 2450-2500 तक का टिकट बनता है वॉल्वो बस में, जो काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप ऑर्डिनरी बस से भी मनाली जा सकते हैं। दिल्ली से मैं अगर बात करूँ तो दिल्ली से भी ऑर्डिनरी बस चलती है, चंडीगढ़ से भी ऑर्डिनरी बस आपको मिल जाएंगी। ऑर्डिनरी बस और वॉल्वो बस में अंतर सिर्फ एसी का और नॉन एसी का होता है। सीट्स थोड़ी सी ऑर्डिनरी बस में और सेमी वॉल्वो बस में डिफरेंट होती है, लेकिन किराया भी बहुत कम होता है। मात्र 600 से 700 रुपए का किराया लगता है दिल्ली से मनाली का ऑर्डिनरी बस में। अगर आपको सबसे सस्ता तरीका जानना है तो वही सबसे सस्ता तरीका है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए आप HRTCHP की वेबसाइट online-HRTCHP.com पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। तो ये था तरीका मनाली पहुंचने का। 5 अलग अलग तरीके मैंने मनाली पहुंचने के बताए, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप इन्हीं 5 में से किसी एक तरीके से मनाली पहुंचेंगे। चॉइस आपकी, बजट आपका। दूसरी चीज, मनाली पहुंचने के बाद आती है माइंड में होटल। होटल बुक करने के भी 3 अलग अलग तरीके हैं। आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम रुपए तक के होटल आपको मनाली में देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू पूरा टूर बुक किया है तो वो अपने होटल में आपको स्टे कराएंगे। तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑन द स्पॉट होटल को बुक करें। देखिए, अगर आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी तो जरूर होगी बार्गेनिंग करने की, और बार्गेनिंग करना सबसे बेस्ट है मनाली जैसे शहर के अंदर। आप होटल्स में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मात्र 500 रुपए में मनाली में बहुत शानदार रूम मिल सकता है अगर आपके अंदर थोड़ी बार्गेनिंग करना और सर्च करने का टैलेंट है तो। माल रोड के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, उन होटल्स में प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। वहाँ आपको 500 रुपए में भी बहुत शानदार रूम मिल सकता है। ऑनलाइन जिस रूम के चार्जेस आपको 1,000-1,500 देने होते हैं, वही आपको ऑन द स्पॉट 500 रुपए में भी मिल सकता है, बट डिपेंड करता है सीजन पर। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं जैसे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑन द स्पॉट ही होटल बुक कर लीजिए।
बट अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो बेस्ट है कि आप ऑनलाइन होटल बुक करें। ऑनलाइन होटल बुक करते वक्त हम भूल जाते हैं कि वहां से मेन रोड यानी मेन माल रोड की दूरी कितनी है। कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हमारा होटल होता है और हमें लोकल साइट्स को विजिट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। ऑन द स्पॉट अगर हम बुक करते हैं तो ये सब चीजें हम इजिली देख सकते हैं। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट है। ऑफ सीजन में अगर जाते हैं तो ऑन द स्पॉट वहीं से होटल बुक कर सकते हैं। सवाल उठता है कि कितने दिन का टूर बनाएं, ये भी एक अहम सवाल है। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 दिन और 2 रात सुफिशियंट है मनाली के लिए। कोशिश करें कि मनाली आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएं ताकि वो दिन आपका काउंट हो जाए, आप लोकल साइट्स विजिट कर सकते हैं। 2 रात रुके 2 दिन रुके आप पूरा मनाली कवर कर लेंगे। चलिए अब मनाली पहुंच गए, होटल बुक कर लिया, अब बात आती है लोकल साइट्स को विजिट करने की और वहां पर कितना खर्च करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे सस्ते तरीके मैं बताऊंगा आपको मनाली को घूमने का। जिस दिन आप मनाली पहुंचेंगे आप चाहें तो उस दिन वहां की लोकल जो आसपास की साइट्स हैं उनको विजिट कर सकते हैं, जैसे हडिम्बा देवी टेंपल, क्लब हाउस, मनु टेंपल, वशिष्ठ टेंपल। अगर आप इसके लिए टैक्सी वालों से बात करते हैं तो 1200 रुपये चार्ज करेंगे और इन सभी साइट्स को आपको घुमा लाएंगे। बट मेरा मानना है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये सभी जगह मनाली में बेहद पास पास में स्थित है। आप चाहें तो पैदल भी इन सब साइट्स को कवर कर सकते हैं। 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा और आप सारी साइट्स विजिट कर सकते हैं। एक छोटा सा सर्किट पूरा करना होगा, माल रोड से आगे की तरफ लेफ्ट हैंड से जो रास्ता जाता है वहां से जाइए, हडिम्बा देवी टेम्पल को कवर कीजिए, डुंगरी वन विहार भी वहीं पे मौजूद है, और नीचे उतर के क्लब हाउस और मनु टेम्पल करके वापस माल रोड तक आ सकते हैं। 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा और आपकी सारी साइट्स विजिट हो जाएंगी और आप 1200 रुपये बचा सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हम मनाली घूमने जाते हैं तो थोड़ा पैदल ट्रैक भी करना चाहिए, वहाँ के माहौल को एंजॉय करना चाहिए, वहाँ की लोकल साइट्स को एंजॉय करना चाहिए। और पूरा जो 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा इसमें आप ओल्ड मनाली भी देखेंगे, वहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के जंगल भी देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि आप पैदल भी इसको कर सकते हैं और आप पैसे बचा सकते हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल में कोई एंट्री टिकट नहीं लगता है। डुंगरी वन विहार में एंट्री टिकट लिया जाता है 8 से छोटे बच्चों के लिए 5 रुपए का और एडल्ट के लिए 10 रुपए का चार्ज लिया जाता है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छी जगह, आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्लब हाउस आते हैं तो क्लब हाउस में एंट्री टिकट 25 रुपए है एडल्ट की और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए 10 रुपए की एंट्री टिकट है। क्लब हाउस में आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर दोनों ही एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, बोटिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्नोबॉल, बहुत सारी एक्टिविटी क्लब हाउस में ही होती हैं। आप डे वन में इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अगर आप मनाली आते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्लब हाउस जरूर जाइएगा, तब आपकी ट्रिप आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये सारी साइट्स आप पैदल ही कवर कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। डे टू में आप सोलांग वैली जा सकते हैं। बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सोलांग वैली भी जाएं। सोलांग वैली जाने का क्या तरीका है, अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो 1200 रुपये वो चार्ज करेंगे राउंड ट्रिप का, अगर ऑटो बुक करते हैं तो 600 रुपये राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं। टैक्सी में ज्यादा लोग आ जाते हैं, ऑटो में मात्र 3 ही लोग आएंगे। आप चाहें तो बाइक भी हायर कर सकते हैं, 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की बाइक पर डे के रेंट पर आपको मिल जाएगी, 150 से 200 रुपये का पेट्रोल उसमें लगेगा एक्स्ट्रा और आप सोलांग वैली जा सकते हैं। और एक ऑप्शन है आप हिमाचल प्रदेश की जो बसेस हैं रोडवेज उनसे जा सकते हैं, मात्र 20 रुपये का टिकट लगता है, सोलांग वैली आपको वो ड्रॉप कर देंगे। चॉइस आपकी, बजट आपका जो अच्छा लगे वो बुक कर दीजिए और उसी से चले जाइए। लेकिन एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो से जाते वक्त, आप सोलांग वैली के साथ साथ वशिष्ठ टेंपल भी कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले को आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, वो 600 + 100 = 700 रुपये में आपको सोलांग वैली प्लस वशिष्ठ टेंपल भी कवर करा देगा। सोलांग वैली जाते वक्त रास्ते में ही एक अलग रास्ता है जो वशिष्ठ गांव तक जाता है। वशिष्ठ गांव में ही वशिष्ठ टेंपल और राम टेंपल है, वहां पर गर्म पानी के कुंड भी हैं, आप उन मंदिर में भी दर्शन कर सकते। चलिए बात करते हैं सोलांग वैली की। सोलांग वैली की दूरी मनाली से 14 किलोमीटर है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, आप बाइक से भी जा सकते हैं, आप अपनी कार लेकर आए हैं या अपनी बाइक खुद लेकर आए हैं तो उससे भी जा सकते हैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी सोलांग वैली में होती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी, कार, बाइक कुछ लाए हैं तो कोई पार्किंग शुल्क सोलांग वैली में आपको नहीं देना पड़ेगा, रोड साइडेड पार्किंग है, वहीं पे खड़ी करनी होगी और आप सोलांग वैली में एंजॉय करने जा सकते हैं। अगर आप स्नोफॉल के सीजन में आते हैं तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी वहां पर एक्टिवेट हो जाती है, जैसे स्कीइंग, 2000 रुपये चार्ज लिया जाता है पर कपल का, जिसके साथ गाइड प्लस स्नो ड्रेस अवेलेबल होती है। अगर आप सिर्फ स्नो ड्रेस लेना चाहते हैं तो 250 रुपये देना होगा आपको, स्नो ड्रेस प्लस शूज आपको दिए जाएंगे, आप बर्फ में एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो 1600 रुपये शॉर्ट हाइट पैराग्लाइडिंग का चार्ज है, और ज्यादा हाइट से आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो 3200 रुपये चार्ज लिया जाता है। रोप वे सोलांग वैली में अवेलेबल है,
650 रुपए है रोपवे का चार्ज राउंड ट्रिप का। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी चीजें आप बुक करते हैं एडवेंचर से रिलेटेड, उसमें बार्गेनिंग जरूर करें। जितनी बार्गेनिंग आप अच्छे से कर पाएंगे, आपकी जो बजट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बार्गेनिंग मनाली में सबसे ज्यादा चलती है। एडवेंचर एक्टिविटीज में भी, यहाँ तक कि लोकल ट्रांसपोर्ट के खर्चे में भी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चलती है। अगर आप कम करा सकते हैं तो करा लीजिए, और बहुत कम रेट हो भी जाता है। जिस एडवेंचर एक्टिविटी का वो 500 रुपए चार्ज बताते हैं, उसे वो 100 रुपए में भी करवा देते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रह चुका है मनाली के साथ। तो डे टू में आप सोलांग वैली को कवर कर लीजिए, 2-3 घंटे 4 घंटे आप सोलांग वैली में बिताइए। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। आसपास में होटल, खाने पीने के स्टॉल, कॉफी स्टॉल, टी शॉप, मैगी शॉप, सब चीजें अवेलेबल होती हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रोहतांग पास जाएं या ना जाएं। देखिए, अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, एंजॉय करना चाहते हैं मनाली को, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको रोहतांग पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्लब हाउस को कवर कीजिए, बहुत मजा आएगा। आप सोलांग वैली जाइए, बहुत एंजॉय करेंगे। माल रोड को एंजॉय कीजिए, आसपास के मार्केट को एंजॉय कीजिए, आसपास की लोकल दूसरी साइट्स को एंजॉय कीजिए। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लब हाउस और सोलांग वैली, अगर आप ये दोनों कवर करते हैं तो आपकी मनाली ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। आपको रोहतांग पास जाने की जरूरत नहीं है। रोहतांग पास में कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ बहुत ज्यादा स्नो होती है सर्दियों के मौसम में, इसीलिए लोग उस वहां जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम भी वहां पर हो जाता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, पूरा दिन आपको लग जाता है रोहतांग पास ट्रिप के लिए, क्योंकि 50 किलोमीटर दूरी है मनाली से रोहतांग पास की। 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर वापस आना, यानी 100 किलोमीटर आपको गाड़ी में ही रहना होगा, और जर्नी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट भी बनवाना पड़ेगा। अगर आप खुद की कार लेकर आते हैं तो 500 रुपए में परमिट बनता है रोहतांग पास जाने के लिए। उसको आप चाहे तो ऑनलाइन बनवा सकते हैं, चाहे तो वहां पर SDM ऑफिस से भी बनवा सकते हैं, या फिर वहां पर जो टूरिज्म एजेंट होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके भी आप परमिट बनवा सकते हैं। अगर आप वहां से टैक्सी हायर करते हैं तो 2500 रुपए चार्ज करेंगे वो आपको रोहतांग पास घुमा कर लाने का। परमिट वगैरह की टेंशन सब उन्हीं की रहेगी। ऑटो अवेलेबल नहीं है। बस से जाते हैं तो 70-80 रुपए टिकट होता है एक आदमी का, लेकिन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। वापस आते वक्त आपको बस मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बाइक रेंट पे ले सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, 500 से 1500 रुपए में बाइक मिल जाएगी। अलग से पेट्रोल डलाना होगा। आप चाहें तो रोहतांग पास जा सकते हैं, परमिट भी वो बना के देंगे, 300 रुपए परमिट के एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेंगे रोहतांग पास के लिए। लेकिन अगर आप फैमिली या कपल के जा रहे हैं तो रोहतांग पास आप अवॉइड कर सकते हैं। 2 दिन में आप मनाली की बाकी साइट्स को कवर कीजिए, एंजॉय कीजिए, बहुत इंजॉयबल आपकी जर्नी रहेगी। फूड की बात करते हैं, हर तरह का, सभी तरह का फूड मनाली में अवेलेबल है। एक सवाल उठता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है मनाली जाने का। देखिए, मनाली एक ऐसा शहर है जहाँ पूरे साल भीड़ लगी रहती है। पीक टाइम की मैं बात करूँ तो स्नोफॉल के टाइम पे सबसे ज्यादा पब्लिक यहाँ पर आती है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वो नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक स्नो अवेलेबल रहती है, तभी टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। 500-550 तक भी कपल पर डे मनाली में एंट्री कर चुके हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग। दूसरे सीजन में 350-300 कपल पर डे एंट्री करते हैं मनाली के अंदर। अगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी मार्च तक आप कभी भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी, और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी जो स्नो में होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं इन मंथ में। थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है नवंबर से फेब के मंथ के बीच में। सबसे सस्ता सीजन होता है जुलाई से लेके अक्टूबर तक, अगर आप आते हैं तो बहुत सस्ता सीजन रहता है, सारी चीज़ें बहुत सस्ती आपको मिल जाएंगी, बट स्नो वाली एडवेंचर एक्टिविटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं बजट की, कितना बजट हमारा लग सकता है। देखिए, अगर आप 2 लोग जाते हैं तो जिस तरह से मैंने ट्रिप को बनाया है, जिस तरह से मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, अगर आप 2 लोग जाते हैं तो आप 6 से 6,500 या 7,000 मैक्सिमम में ये पूरी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली से मैं रेट बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से ट्रिप को मैनेज करेंगे तो आप 6,500-7,000 या 6 से 7 के बीच में इस पूरी ट्रिप को एंजॉय कर लेंगे, और बहुत आपको मजा आने वाला है। थोड़ा और कॉस्ट बढ़ाते हैं, और भी ज़्यादा चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। मैंने मिनिमम बताया, मेरा मकसद था मैं सबसे कम से कम मैं आपको मनाली की ट्रिप बता सकूँ कि कैसे कर सकते हैं। मेरा मकसद ही, MS व्लॉगर का मकसद ही होता है कि सबसे सस्ता तरीका अपने व्यूवर्स को बता सकें कि वो परेशान ना हो किसी भी शहर को घूमने में। लोगों के मन में होता है हुआ कि यार मनाली जाएंगे तो कम से कम 20-30,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिप को मैनेज करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसी ट्रिप को बनाने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई सवाल रह गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पूछ सकते हैं, जरूर जवाब दूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जवाब दूंगा। लाइक जरूर कर लीजिए, अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो यार एक लाइक जरूर कर लीजिए, आपको एक लाइक से इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कि मैं अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट, अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ। और अब जो समय आने वाला है नवंबर से ये पीक सीजन शुरू हो जाएगा, मनाली का स्नोफॉल कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगी, तो टूरिस्ट का जमावड़ा वहाँ लगना।